हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल आद्या सिंह। सो गाइस, आज मैंने ये लुक क्रिएट करा है विदाउट एनी टूल्स, यानी कि मैंने कोई भी मेकअप टूल यहाँ पे यूज़ नहीं करा है, सिर्फ अपने हाथों की हेल्प से ये मेकअप किया है। अगर आप कहीं पे भी मेकअप टूल्स या मेकअप ब्रशेज या ब्लेंडर वगैरह जो भी कैरी नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने हाथों से भी ब्रश या ब्लेंडर के जैसा मेकअप कर सकते हैं, हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है सिर्फ अपने हाथों से। और गाइस, अगर ये लुक आपको मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं ये लुक मैंने कैसे कराया है। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूँगी फेस प्राइमर। जो मैं फेस प्राइमर यूज कर रही हूँ वो मेरा प्राइमर है कलर बार का जेल बेस प्राइमर है, तो इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी। मुझे रगड़ना नहीं है इसे अपने फेस पे, डैबिंग मोशन में से लगाना है। गाइस, मेकअप से पहले फेस प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। देन मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन या कंसीलर वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत लाइट वेट ये मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। बहुत हल्का हल्का मैं प्रोडक्ट लगाऊँगी और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एस्टेगोरी का सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ, वो भी बहुत हल्की हल्की मैं लगा रही हूँ। गाइस, ये क्रीम बहुत अच्छी है, फुल कवरेज देती है, अच्छे से ब्लेंड करूंगी, हाथों से ही ब्लेंड करूंगी। मैं यहाँ पे कोई भी टूल यूज नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को हाथ से ही डैबिंग मोशन में इसे लगाना है। पैट पैट करके इसे मैं लगाऊंगी, इसे रगड़ना नहीं है। देखिए, हम इसे अगर रगड़ेंगे तो हमारा जो सीसी क्रीम या फाउंडेशन हम जो भी लगाएंगे वो हमारा हाथों में आ जाएगा, निकल जाएगा या फिर क्रैक हो जाएगा। जो भी हम थोड़ा बहुत लगाएंगे वो क्रैक हो जाएगा, ताकि हम हल्का हल्का ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें लगाना नहीं है। जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हमें उसे अच्छे से टैप टैप करके अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे यूज करा है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे हाथ से लगाया है, लग रहा है जैसे मैंने कोई ब्रश वगैरह यूज करा हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी नेक पे भी लगा रही हूँ। एज अ कंसीलर यूज कर रही हूँ, डबल लेयर इसकी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जो डार्क सर्कल वगैरह जो होते हैं वो इसे हाइड हो जाए। इसे लगाने के बाद में एक कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर कुछ भी लेके इसे सेट कर लेंगे, ताकि जो भी आई शेडो वगैरह जो भी मैं अप्लाई करूँगी वो उसका कलर जो है वो बहुत अच्छे से आए। और हाँ गाइज, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों की ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर बार की ये आईब्रो पेंसिल है, मैं बहुत हल्के हल्के, ये क्रीमी पेंसिल है थोड़ी, तो मैं इसे बहुत हल्के से अपनी आईब्रो को डिफाइन करूँगी। और इसमें पीछे एक छोटा सा कोम भी दिया हुआ है, जिससे कि शेप बहुत अच्छे से आए इसे कोम करके आईब्रोज़ की। देन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ आईब्रोज़ पे, जो मैंने डबल लेयर लगाई थी सीसी क्रीम की, उसे मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ना कोई भी आई शेडो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा DIY करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक, लाइट शेड लिपस्टिक लेके, पीच शेड है ये, तो मैं इसे एज अ आई शेडो यूज करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए, बहुत लाइट मेकअप ही चाहिए मेरे को। तो मैं इसे एक फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक आई शेडो सिमरी शेड लेके अपनी आईज़ को हाईलाइट करूँगी, हल्का हल्का सा सेंटर लिड पे लगाऊँगी मैं अपनी ये जो सिमरी शेड जो है, ताकि मेरी जो आईज़ हैं वो थोड़ी रिफाइन लगें, थोड़ी उभर के आएँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये शिमरी शेड।
देन मैं हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट और यूज कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इसी लिपस्टिक से, जो लिपस्टिक मैंने अपनी एज अ आई शेडो यूज करा था, इसे मैं एज अ ब्लशर भी यूज करूँगी। तो देखिए गाइज, एक लिपस्टिक से कितने काम हो सकते हैं ना। एज अ ब्लशर लगा सकते हैं, लिपस्टिक, आई शेडो और कॉन्ट्रोर भी कर सकते हैं हम। अगर हमारी लिपस्टिक थोड़ी डार्क शेड में है तो कॉन्ट्रोर भी हम कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। गाइज ये बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत अच्छा हाईलाइटर है ये। देखिए मैंने ना अपनी आईज़ बहुत लाइट रखी है, ना ही कोई काजल यूज करा है यहाँ पे और ना ही मैंने कोई लाइनर यूज करा है। मैंने मस्कारा लगाया था, वो क्लिप मेरा डिलीट हो गया है, वो नहीं दिखा पाई हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन मैंने जो अपने लिप्स हैं वो थोड़े बोल्ड रखे हैं। यहाँ पे रेड लिपस्टिक मैंने एकदम हॉट रेड लिपस्टिक यूज करा है, पता नहीं क्यों इसमें शो नहीं हो रहा है, कैप्चर नहीं कर पा रहा था कैमरा, लेकिन ये एकदम हॉट रेड शेड है। गाइस देखिए ये हाईलाइटर कितना अच्छा है। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी जो वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए नेक्स्ट टाइम। सो थैंक।